गाइस आज हमारे पास जो गोपाल जी आए हैं 8 नंबर के, इनका फुल मेकओवर होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक जो वीडियो बनाया था पहले कि जो लड्डू गोपाल होते हैं, अगर वो एकदम ब्रांड न्यू शाइन कर रहे होते हैं तो आप उनके ऊपर अच्छी क्वालिटी अगर वार्निश लगाते हैं जो कि लुकी ट्रांसपेरेंट होती है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ये रखी हुई है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो जो शाइन होती है, जैसे ये कलर सेक्शन होता है, इसके ऊपर हम जो वार्निश करते हैं आईब्रो के ऊपर, तो हल्का वो ब्रास को भी कवर करती है। तो अक्सर देखा गया कि जब ब्रास पीला पड़ता है, पीतल इस तरीके से डल होता है, लेकिन वो सेक्शन हमेशा शाइन करता है बिकॉज वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप वार्निश करते हैं वो अच्छी वाली जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका ब्रास जो होता है बिल्कुल ब्रांड न्यू शाइन होना चाहिए, अदरवाइज वो डल हो जाएगा। तो ये जो लड्डू गोपाल आए हैं, हालांकि मैं इनको पूरा साफ नहीं करूँगा क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कैसे किया क्योंकि मैं यहाँ पे फुल मेकओवर करूँगा, फिर भी मैंने मुझे मन अच्छा नहीं लग रहा था, मैं चाहता तो पीले के ऊपर ही कर सकता था, हालांकि फेस पे वार्निश नहीं था, पूरी बॉडी पे था इस तरीके से। ये देखिए आप, तो मैं यहाँ पॉलिश भी कितना भी लगा लूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी तरह का, ये देख लीजिए। और मैं यहाँ पहुँचता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ब्लेड है जो कि बड़ा निकल सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बस फॉलो कीजिए। देखिए ये हल्का सा लेयर आ गया, वगैरह को कोई इसमें क्षति नहीं हो रही किसी प्रकार भी, बस ये प्यार से आ गया निकल के, ठीक है। ये रहा, मैंने इसी तरीके से पिछले 1-1.5 घंटे से मैंने आगे का फ्रंट साफ किया, फिर बाकी का जो होता है फिर अपने नेल्स नाखून से निकाला है मैंने, और ये देखिए आप, ठीक है ये निकल गया है। अब मैं यहाँ पर पॉलिश करने जा रहा हूँ, अब आप फर्क अपनी आंखों से देखेंगे कि जहाँ वार्निश है वो तो शाइन कर ही नहीं सकता बिकॉज आप ब्रास से टच ही नहीं हो रहा, लेकिन जो सेक्शन अभी मैंने साफ किया है वो देखिए आपको, ये शाइन कर रहा है आपको। तो इस तरह कोई भी ना करें फुल बॉडी, देखिए वो एक वीडियो समझाने का पर्पस था मेरा, लेकिन आपके विक्रय हो सकता है उनको यही शाइन लगे हो कि चलो ये ठीक है, काले ना पड़े तो मैं इनको ही कर दूँ, तो ये लॉक हो गए अपनी जगह, ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर इनको फिर से ठीक करना है तो मैं तो कहूँगा कि वो मेहनत करें, प्यार से उठाएं जितना उठा सकते हैं, डेली आधा घंटा निकालें, तो 10 दिन के अंदर ये पूरे साफ हो जाएंगे। तो मुझे आपको यही बताना था। राधे राधे।